भाई सॉफ्ट सिग्नल दे रहा हूं मैं, उस पे करते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी। तो आपने बहुत बार देखा होगा, ये टेस्ट मैच में भी देखा कि अगर अंपायर्स को 100% सर्टन नहीं है, खासतौर से जब वो एजेस जाते हैं, कैचेस पकड़ी जाती हैं, वो जो लो कैचेस होती हैं, तो फिर अंपायर्स क्या करते हैं, तीसरे अंपायर की मदद मांगते हैं और एक सॉफ्ट सिग्नल देते हैं कि हमें लगा ये आउट है, हमें लगा ये नॉट आउट है। भाई क्यों देते हैं और देने से क्या लाभ होता है, क्या इनको देना चाहिए? अगर सॉफ्ट सिग्नल आपको देना ही है, चलिए एक थोड़ा चर्चा को इसका थ्रेड खोलते हैं, अगर आपको सॉफ्ट सिग्नल देना ही है तो फिर रनआउट पे क्यों नहीं देते, फिर स्टंपिंग पे क्यों नहीं देते, बता दो ना फिर तीसरे अंपायर को कि मुझे लगता है 75% कि ये तो आउट है वरना ये नॉट आउट है। अब आप कहेंगे वो स्टेशनरी कैमराज हैं तो 100% आपको पता ही चल जाता है, मतलब दूध का दूध पानी का पानी, इसमें कोई संदेह नहीं रहता। चलो अगर मैंने आपका ये आर्ग्यूमेंट मान भी लिया, वैसे हर बार ऐसा होता नहीं है, कई बार वो जो लाइन है उसके आपको पूरे फ्रेम्स नहीं मिल पाते, बेनिफिट ऑफ द डाउट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, और लेकिन अगर मान भी लूँ मैं आपकी बात इसमें, तो वो जो कैचेज होते हैं उसमें क्या होता है, कहते हैं कि मां वो पता नहीं चला। अगर अंपायर ने आउट दिया, पहले इसका प्रिंसिपल क्या है, अगर अंपायर ने आउट दिया तब आपको कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए ये दिखाने के लिए कि गेंद जमीन पे लगा है, और अगर उन्होंने नॉट आउट दिया तो फिर आपको कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए ये दिखाने के लिए कि गेंद जमीन पे नहीं लगा है। अब कंक्लूसिव एविडेंस ये जो लो कैचेज है ना, इसमें आपको 9 out of 10 times मिलता ही नहीं है। ये 2D पिक्चर्स हैं जो आप टीवी देखते हैं, 2D पिक्चर्स हैं, 2D पिक्चर्स में इट्स इम्पॉसिबल टू नो कि वो बॉल लगा या नहीं लगा ज़मीन पर, वो इल्यूजन दिखता है आपको। अब वो जूम करते जाइए, सोच गहरी होती जाएगी, निर्णय कमज़ोर होते जाएंगे, देन यू विल गो ऑन और रादर गो विद द ऑन फील्ड अंपायर्स सॉफ्ट सिग्नल। भाई क्यों? क्योंकि अगर क्योंकि दीज गाइज आर ऑब्लाइज टू डू सो, 70 meters दूर मान लीजिए वो थर्ड मैन पे डीप स्क्वायर लेग पे कैच पकड़ा नीचे डाइव मार के, अंपायर को ना पता नहीं चला है कि कैच पकड़ा है या नहीं पकड़ा है, तो फिर आप 70 meters खड़े दूर होकर कैसे कह सकते हो कि आउट है या नॉट आउट है, और फिर उस जो आपका सॉफ्ट सिग्नल है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए कैसे उस डिसीजन को आप सही या गलत बता पाएंगे जबकि एविडेंस आपके पास कंक्लूसिव नहीं है। वेल दैट्स वेयर आई थिंक दिस टाटा बाय बाय करिए जरा, इस सॉफ्ट सिग्नल को बिल्कुल निकाल दीजिए, टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कीजिए, अगर कंक्लूसिव आपको कुछ एविडेंस मिलता है तो आउट दीजिए, नहीं मिलता है तो नॉट आउट दीजिए। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ऑन फील्ड अंपायर ने क्या कहा है, उसके जहन में क्या है, स्पेशली फॉर थिंग्स दैट ही इज नॉट एबल टू सी। अब आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना चाहिए? फटाफट से पता है ना यार, हैशटैग आकाशवाणी भर दो कमेंट्स का सेक्शन और जरा इस पर जरा गुफ्तगू करते हैं, सॉफ्ट सिग्नल रहे या जाए।